दोस्तों ये एक सैमसंग का 32 इंच का एलईडी है। इसका मॉडल नंबर एक बार देख लीजिए, अच्छी तरह मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए इसका मॉडल नंबर UA32N4010AR XXL। ये एक 32 इंच का एलईडी टीवी है सैमसंग कंपनी का। उसमें क्या है, उसमें पैनल चेंज करेंगे। पैनल खराब था उसमें हम पैनल चेंज करेंगे। ये देखिए ये जो पैनल है उसमें सैमसंग का ये वाला पैनल, ये कॉमन पैनल है दोस्तों, सिंगल कप वाला है। इसमें 486 का जो आईसी लगा हुआ है, ये इस कलर को देख लीजिए अच्छी तरह। ये पैनल उसमें था, ये पैनल ब्रेकेज है, इसको हम नया पैनल इंस्टॉलेशन करेंगे। इसमें कौन सी पैनल लगाएंगे, बीओई का पैनल दोस्तों लगाएंगे। बीओई वाला पैनल जो आता है छोटा टिकन वाला, वो लगाएंगे। ठीक है, इसको हम किस तरह लगाएंगे मैं तो लगा चुका हूँ, इसको मैं देखाऊंगा। और लगाने के बाद क्या क्या सिचुएशन आ रहा है उसमें, मिरर का प्रॉब्लम आएगा, मैपिंग का प्रॉब्लम आएगा, इस तरह किस तरह हम सॉल्व करेंगे मैं आपको डिटेल से दिखाऊंगा। इसी पैनल में किस तरह एलब्रेस कनेक्शन होगा, क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एलब्रेस का नहीं है, इसको आपको किस तरह रेडी कर पाएंगे। मार्केट में मिलता है, सब लोग तो नहीं लगा सकते ना, मार्केट में नहीं रहते ना। इसमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एलब्रेस है देखिए, उसमें ये जो एलब्रेस था, ये एलब्रेस लगा था। लेकिन ये जो बीओई पैनल हम लगा रहे हैं, ये जो टिकन वाला लगा रहा है, इसको देखिए अच्छी तरह। ये जो टिकन लगा रहा है उसमें तो ये नहीं लगेगा ना, ये जो टिकन वाला लगा रहा है इसमें नहीं लगेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा मैं उसको देखिए, मैं पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। पूरा फुल डिटेल्स जानकारी आपको मिलेगा देखने के लिए। इसमें क्या होगा, ये जो पैनल है उसमें राइट साइड सप्लाई है, पैनल जो सप्लाई है, ये जो सैमसंग का था ये वाला, उसमें राइट साइड सप्लाई है। और इसमें जो बीओई का टिकन वाला लगा रहा है उसमें आपका लेफ्ट साइड सप्लाई है, लेफ्ट साइड सप्लाई। ये तो नहीं लगा पाएंगे, इसको लगाएंगे, इसका साथ एक कन्वर्शन लगाएंगे, फिर एक कन्वर्शन से फिर एक एलवेस यहाँ से लगाएंगे। आपको यहाँ से मैं देखो किस तरह वायरिंग किया है, नॉर्मल एलवेस से हम किस तरह वायरिंग किया है। आपको आपको काम मालूम है तो जो भी हो सकता है आप कर सकते। ये वाला होगा, इसका कन्वर्शन लगाएंगे, उससे एक एलवेस लगा के टिकन में लगाएंगे। मान लीजिए आपके पास नहीं है और कस्टमर चाह रहे हैं आज रेडी करके लेने के लिए, आप क्या करेंगे। इसलिए ये किस तरह वायरिंग करेंगे, ये एलवेस से आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन काम होना आपको मालूम होना चाहिए, किस तरह रेडी करेंगे मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। पूरा लाइन में रहिए मेरे साथ, मैं आपको किस तरह एलवेस कनेक्शन होगा मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। इस पैनल में देखिए, ये जो पैनल है इसको अच्छी तरह देखिए। यहाँ पर ये सप्लाई राइट साइड है, और ये जो टिकन लगा हुआ बी पैनल का डबल कप वाला, एक छोटा वाला टिकन लगा रहा है, उसमें लेफ्ट साइड का सप्लाई है। लेकिन जो RX सिग्नल होता है, RX 0-0+1-1+2-2+ क्लॉक -क्लॉक+ और 3-3+, और इसमें और उसमें ये अलग है। उसमें क्या है मैं आपको डिटेल से देखो डायग्राम थ्रू बताऊंगा। ये डायग्राम को देखिए अच्छी तरह, मैं ये डायग्राम थ्रू आपको पूरा क्लियर बताऊंगा। ये डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये डायग्राम थ्रू मैं आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगा, पूरा क्लियर समझ पाएंगे आप। ये डायग्राम का आप अच्छी तरह देखिए, मैं इसको पूरा क्लियर समझाऊंगा आपको, पूरा क्लियर। इसको देखिए, यह हो गया सैमसंग पैनल, यह हो गया बीओई पैनल कैलिब्रेस। सैमसंग पैनल में राइट साइड सप्लाई है और बीओई पैनल का लेफ्ट साइड सप्लाई है। लेकिन बीओई पैनल में क्या होता, क्या होगा, वो लेफ्ट साइड सप्लाई के बाद ग्राउंड, उसका बाद शुरू होगा 0-0+, उसका बाद 1-1+, उसका बाद 2-2+, उसका बाद CLK-CLK+, मतलब क्लॉक -क्लॉक+, उसका बाद 3-3+। लेकिन ये जो सैमसंग पैनल है उसमें देखिए राइट साइड सप्लाई है, राइट साइड 12 वोल्ट सप्लाई के बाद ग्राउंड है, ग्राउंड का बाद पहले शुरू होगा 3-, यहाँ से एंडिंग का शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ से पहले सप्लाई के बाद शुरू हुआ था 0-0+, उसमें क्या होगा, लास्ट से शुरू होगा, लास्ट से 0-0+, 1-1+, 2-2+, क्लॉक -क्लॉक+, 3-3+। मतलब सप्लाई के बाद यहाँ से 3-3+ शुरू होगा, उसमें सप्लाई के बाद 0-0+ शुरू होगा, पूरा अल्टरनेट। ठीक है,
इसको डायग्राम को अच्छी तरह देख लीजिए, मैं जो दिखा रहा हूँ ये वीओई का है और ये सैमसंग का है। इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, जिसके पास नहीं है इसको स्क्रीनशॉट मार देंगे तो आपको बहुत जरूर आएगा नेक्स्ट टाइम पैनल चेंज करने के लिए। इस तरह ये है। उसके बाद मैं दिखाऊंगा और एक चीज़ दिखाऊंगा आपको, ये जो सैमसंग का है इसको देखिए, मदरबोर्ड को देखिए, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। एक एक से मैं बना रहा हूँ, अकेले बना रहा हूँ इसलिए डिस्टर्बेंस हो रहा है। यहाँ से देखिए, मैं यहाँ से एक एलिवेस लगाया, लगा के फाइपर यहाँ पर सोल्डिंग किया है। यहाँ पर टेस्ट पॉइंट दिया होता है, यहाँ पर क्या किस तरह टेस्ट पॉइंट दिया जाता है मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा लाइन मेरी जिम। देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम बनाया ये एलिवेस के पास, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एलिवेस के पास लगा हुआ है। इसको देखिए डायग्राम में बनाया, इसी तरह टेस्ट पॉइंट है, जिसी तरह मैं बनाया पूरा इसी तरह आपका टेस्ट पॉइंट उसमें मिलेगा, कहाँ पर मदरबोर्ड में इसी तरह होके वो जो एलिवेस लगता है उसका सॉकेट के पास इसी तरह का टेस्ट पॉइंट आपको मिलेगा, जिस तरह बनाया पूरा डिटेल्स इसी तरह। पहला जो होगा देखिए यहाँ पर जीरो माइनस जीरो प्लस, उसके बाद इसी साइड पर आएंगे वन माइनस और वन प्लस, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे फिर टू माइनस टू प्लस, उसके बाद इधर आ जाएंगे फिर क्लॉक माइनस क्लॉक प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा थ्री माइनस थ्री प्लस। ये दो जो डॉट है टेस्ट पॉइंट उसमें कनेक्शन नहीं रहेगा। इसको भी आप स्क्रीनशॉट मार के रख सकते हैं, आपको काम में आएगा। देखिए सैमसंग का इसी तरह बना हुआ रहता है, कोई डाटा शीट नहीं निकालना पड़ेगा। वीओई का दे दिया और सैमसंग का दे दिया, इसको देने के बाद पैनल में किस तरह सिम्टम आ रहा है इसको हम आपको दिखाएंगे। इसको मैं एलईडी को इस तरह रख देता हूं, आपको मैं दिखाऊंगा इसका फॉल्ट किस तरह आ रहा है। इसको करंट देंगे और इसको देखिए एलईडी को अच्छी तरह देखिए फॉल्ट किस तरह आ रहा है। ऑन किया, इसको स्टैंड बाई ऑन करेंगे, स्टैंड बाई ऑन हुआ। ये सैमसंग देखिए मिरर का फॉल्ट है, यहाँ पर देखिए सैमसंग लिखा है एलईडी में, और देखिए पिक्चर उल्टा मिरर प्रॉब्लम है और मैपिंग का फॉल्ट भी है, पिक्चर ग्लेज सही से नहीं आ रहा है। इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ये सैमसंग के में मास्टर रिमोट चाहिए सर्विस मोड ओपन करने के लिए। इसको मास्टर रिमोट है मेरे पास, देख लीजिए, मैं मास्टर रिमोट से सर्विस मोड ओपन करता हूँ और लाइन में रहिए, मैं किस तरह इसको सॉल्व करूँगा आपको साथ में डिटेल्स बताऊंगा। जो भी वीडियो है दोस्तों पूरा लाइव होगा, कोई एडिटिंग नहीं है, मेरा जितना भी वीडियो है कोई एडिटिंग नहीं होता है, जो होता है लाइव होता है। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसको मैं सर्विस मोड ओपन करता हूँ, मेरे साथ लाइन में रहिए। सर्विस मोड आ गया दोस्तों, इसको देखिए मैं सर्विस मोड ओपन करता हूँ। देखिए दोस्तों सर्विस मोड ओपन हो गया, इसको क्लियर देखिए, मैं आपको पूरा क्लियर दिखाऊंगा किस तरह क्या चेंज कर रहा हूँ, पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा। इसको लाइन में रहिए और कैमरा को सही से इसको पूरा एडजस्ट करता हूँ, और देखिए मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसमें आप देखिए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन का मोड में है, मैं ऑप्शन को ओके करूँगा। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एम आर टी ऑप्शन, यहाँ पर जाएंगे एम आर टी ऑप्शन को जाएंगे, एम आर टी ऑप्शन में ओके करेंगे। ओके करने के बाद पहले क्या करेंगे, पहले पिक्चर को सही करेंगे, मिरर का प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए एच बी फ्लिप लिखा है, यहाँ पर एच बी फ्लिप के ऑप्शन को आएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऑन है, इसको ऑफ करेंगे। यहाँ पर देखिए पिक्चर सही आ गया, कहाँ पर दूसरा जगह चला गया देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, मोबाइल को सही करता हूँ। देखिए वो लेखा जो था अभी सही हो गया, यहाँ पर सैमसंग लेखा है और अभी मिरर का ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे उसके बाद, पिक्चर का मैपिंग का प्रॉब्लम है, मैपिंग का प्रॉब्लम देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं इसको दिखाता हूँ। पिक्चर चेंज हो गया ना, यहाँ पर एलबीएस फॉर्मेट, यहाँ पर लिखा है एलबीडीएस फॉर्मेट, मैं दिखाता हूँ, क्लियर दिखाता हूँ आपको, मोबाइल को पास ले जाता हूँ। यहाँ पर देखिए एलबीडीएस फॉर्मेट लिखा है
और जिद्दा लिखा है, इसको देखिए मैं इसको ऊपर लेता हूँ, इसको मैं चेंज करूँगा। यहाँ पर क्या कर दिया, भिसा कर दिया, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको मैं चला जाता हूँ, स्विच ऑफ करूँगा, उसके बाद फिर ऑन करूँगा। पहले सैमसंग का लोगो देखने से आपको पता चल जाएगा सही आएगा। देखिए दोस्तों पूरा नीट एंड क्लीन है, और मिरर का जो था मिरर भी आपका चेंज हो गया, और पिक्चर भी देखिए पिक्चर भी पूरा पूरा ग्लेज आ गया। और ये देखिए पिक्चर भी पूरा बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर मेनू का ऑप्शन दबाता हूँ, देखिए पूरा क्लीन, जो आपका मैपिंग का फॉल्ट था मैपिंग का फॉल्ट भी सॉल्व हो गया, और मिरर का भी देखिए मिरर ऑल्टरनेट आ रहा था, अभी देखिए सैमसंग का लोगो यहाँ पर है और पिक्चर भी आपका सही से आ रहा है। दोस्तों ये जो डिटेल्स में सैमसंग में दिया, पूरा वीओई पैनल को सैमसंग में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, आपका पास कन्वर्सन नहीं होगा, लेफ्ट राइट का कन्वर्सन नहीं होगा, तो आपको इस तरह वायरिंग करके भी आप डिटेल्स बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं बता दिया आपको किस तरह मदरबोर्ड में ये है, इसी तरह कनेक्शन करेंगे, और मैं आपको डायग्राम भी बता दिया वीओई पैनल में डाटा शीट किस तरह है, और यहाँ पर सैमसंग पैनल का डाटा शीट किस तरह बना हुआ रहता है, और आरएक्स सिग्नल किस तरह उसमें होता है। दोस्तों इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल में जुड़ी रहिए, आपको अच्छी अच्छी नॉलेज मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।